हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक्स क्लब। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्षतिपूर्ति सीरीज़ की कलेक्टर एडिशन। इसमें तीन कॉमिक्स है दोस्तों, क्षतिपूर्ति, मौत का बाजीगर और विषप्रस्त। विषप्रस्त के साथ में ये कुछ नॉवेल्टीज़ भी दी गई थी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक नागराज का स्टिकर है और विषप्रस्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे लेके चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही एक लाइक भी बनता है दोस्तों, तो लाइक भी दे दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्षतिपूर्ति। देख सकते हैं दोस्तों, क्वालिटी अच्छी है। पेपर ग्लॉसी पेपर को यूज़ किया है इन्होंने। जल्दी से मैं इसका एक फास्ट फॉरवर्ड रिव्यू दे देता हूँ ताकि कोई स्पॉइलर ना मिल जाए आपको। कोई कमी नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं अस्तर वगैरह परफेक्ट है एकदम, बिना किसी डाउट के इसको लिया जा सकता है। इसका मूल्य है 325 रुपये, आराम इजीली अवेलेबल है ये 300 के अराउंड, किसी भी सेलर से आप ले सकते हैं। मौत का बाजीगर, क्षतिपूर्ति का अगला पार्ट है मौत का बाजीगर, और इस ये आगे कंटिन्यू होती है विषप्रस्त में। तो दोस्तों, इसका भी मूल्य सेम है 325 रुपये। पब्लिकेशन भी सेम ही है, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। अगेन अंदर की तरफ देख सकते हैं दोस्तों, सेम क्वालिटी है दोस्तों, बिल्कुल कुछ भी फ़र्क नहीं है। सेम पेपर, ग्लॉसी, बस एक न्यू कहानी के साथ में इसको बनाया गया है। बढ़िया, अच्छा काम। विषप्रस्त दोस्तों, ये पहले आई थी हमारे पास में, तो इसको ये दोनों अभी रिसेंट में रिप्रिंट हुई हैं, पर विषप्रस्त ये पिछले साल शायद आई थी, पिछले साल या उससे पहले आई थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका गत्ता कितना थिक है, कितना मोटा है, और इसका उतना मोटा नहीं है। इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। उस वक्त ये 300 रुपये में दी गई थी, और देख सकते हैं दोस्तों अंदर से ये कैसी है। अगर मैं पेजेस की कंपैरिजन करूं तो इसके पेजेस थोड़े ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा थिक हैं एज कम्पेयर टू दिस। देख सकते हैं बुक थोड़ी ज़्यादा थिक लग रही होगी आपको यहाँ से। इसके साथ में इन्होंने फ्री नॉवल्टीज भी दी थी। तो दोस्तों, अभी ये कहानी अभी भी ऑनगोइंग है। विषप्रस्त के बाद में कहानी विषहर्ता में जा रही है, और ये भी नहीं पता कि विषहर्ता के बाद वो कंप्लीट होगी या वो आगे चली जाएगी। पर दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये आगे भी जाती है तब भी ये अच्छी ही होगी, बेहतरीन होगी। तो ये सीरीज़ के बारे में मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है, अभी तक मैंने इसको नहीं पढ़ा है। अगर आप लोगों ने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।